हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ मापुसा का फ्राइडे मार्केट। मापुसा मार्केट गोवा का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मार्केट है। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ सबसे पहले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं। तो ये जो अभी आप व्यू देख रहे हैं ये मेन मार्केट के जस्ट बाहर का व्यू है। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ मेन मार्केट में अंदर। ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्री है। बिल्डिंग के अंदर आपको बस वेजिटेबल्स दिखने वाले हैं और फ्रूट्स का जो मार्केट है वो बाहर है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, पहले चलिए मैं आपको वेजिटेबल मार्केट दिखाती हूँ। और ये बीच का जो आपको पूरा लाइन खाली दिख रहा है, नॉर्मल डेज में यहाँ पे भी वेंडर्स बैठे रहते हैं, लेकिन अभी कोरोना गाइडलाइंस की वजह से इसको खाली छोड़ा गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके अच्छे से। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ पे। और यहाँ की जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे सब्जियों का जो रेट है वो गोवा में बाकी हर जगह से आपको सस्ता मिलेगा और फ्रेश भी रहता है वेजिटेबल। और बहुत कम चीज़ें ही यहाँ पे आपको केजी में मिलेंगी, जैसे प्याज, आलू और बाकी चीज़ें यहाँ पे छोटे छोटे बंडल्स बना लेते हैं ये लोग। आप देख सकते हैं सामने इस तरीके से, और 20 रुपीज़ पर बंडल, 30 रुपीज़ पर बंडल इस तरीके से यहाँ पे बेचते हैं या फिर ये पीसेज में बेचते हैं। तो केजी में आपको 2-3 चीज़ें ही यहाँ पे मिलेंगी। तो चलिए मैं आपको इस मार्केट का एक पूरा व्यू दिखाती हूँ। तो ये है ये पूरे मार्केट का व्यू। और यहाँ से अब हम एग्ज़िट लेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी फ्रूट्स मार्केट यहाँ का। और सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्ज़िट है। तो चलिए इधर से मैं चल के आपको दिखाती हूँ बाहर का मार्केट। एग्ज़िट के जस्ट सामने ये सारे शॉप हैं यहाँ पे। और सामने आप देख सकते हैं ये फ्रूट्स मार्केट है। तो फ्रूट्स यहाँ के काफ़ी फ्रेश हैं और जो प्राइस है वो भी कम है, बाकी मार्केट से काफ़ी कम है यहाँ पे। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जो मैंने फ़िश मार्केट मापुसा का बनाया था वीडियो, उसमें कि यहाँ पे होममेड स्पाइसेस भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो सामने आप देख रहे हैं ये पूरे स्पाइसेस हैं और 20 रुपीज़ का ईच ये पैकेट है। तो मैं उस मार्केट से बाहर आ गई हूँ और ये है बाहर का यहाँ का व्यू। इसके बाद भी मैं आपको एक मार्केट दिखाने वाली हूँ जो कि फ्राइडे मार्केट का ही एक पार्ट है, तो वहाँ पे मैं आपको चल के दिखाती हूँ। जब आप उस मार्केट से बाहर आएंगे तो बाहर कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रीट शॉप्स दिखेंगे।
ये एरिया काफी कंजेस्टेड सा लग रहा है। इस तरीके के शॉप और इस तरीके का मार्केट आपको पंजी में भी देखने को मिलेंगे। ये है मापुसा का मेन मार्केट और यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं जो वेंडर्स हैं वो कपड़े, टॉवल, मास्क, बहुत सारे तरह के कपड़े यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं। और ये है मापुसा का बस स्टैंड। बस की फैसिलिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, तो जो मार्केट है नियर बाय ही बस स्टॉप है, तो आप आराम से आइए और यहाँ से शॉपिंग कीजिए। और ये है यहाँ का फ्लावर मार्केट, तो यहाँ पे फ्लावर का भी मार्केट काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे शॉप हैं जहाँ से आप फ्लावर परचेज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मापुसा फ्राइडे मार्केट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।